भाई ओ भाई। बारिश और देहरादून में मोमो वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये आपको किसी भी मोड़ पे मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल मस्ती। तो यार, एक बार फिर जिसका सबको इंतजार रहता है वो चीज़ आ गई है। जी हाँ, आज आ गया फिर से वीकेंड। बट कल रात से कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है। पता नहीं इंद्र देवता और कितनी देर मेहरबान रहेंगे। जो भी हो, अभी बारिश थोड़ा सा हल्की हुई है तो मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ छत में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ही प्यारा वेदर हो रखा है। होप सो ये बारिश रुक जाए और हम सब घूमने के लिए चले। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो यार, बारिश तो लगता नहीं आज रुकेगी, इसलिए प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। और इसलिए आज हम बाइक से नहीं, हम लोग कार से जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड आ रहा है नकुल, तो वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है और उसके साथ हम लोग जाएंगे थारा टेम्पल। और आज जैसा यार एक ही तो वीकेंड मिलता है, तो इस वीकेंड को वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से इन्जॉय करें। तो देखते हैं इस बार कार में ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आप लोग भी वीडियो में बने रहे, बहुत ही प्यारी जगह है जिस जगह हम जा रहे हैं, थारा टेम्पल। और देखते हैं रास्ते में वादियों को इन्जॉय करते हुए जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं, लेट्स गो। रुके तो यार, मेरा तो मानना है कि गाड़ी में तेल और पेट में खाना दोनों का फुल होना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी में तेल फुल रहेगा तो गाड़ी अच्छे से चलेगी और पेट में खाना फुल रहेगा तो हम अच्छे से चलेंगे। तो फाइनली हम लोग घंटाघर से पहुंच चुके हैं एसले होल, और अब यहां से हमने राइट लिया और राइट होके सीधा हम सर्वे चौक होते हुए जाएंगे सीधा रायपुर अपनी मंजिल की ओर। तो यार, अब हम पहुंच गए रायपुर चौक और मौसम यहाँ पे भी बहुत प्यारा रखा है। तो अब यहाँ से आपको बेसिकली दो रास्ते मिलेंगे। जो सीधा रास्ता है वो आपको लेके जाएगा मसूरी, धनोल्टी और सहस्त्रधारा के लिए, और जब हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे तो ये आपको लेके जाएगा जौलीग्रांट के लिए। तो और राइट टर्न लेते ही फाइनली देहरादून जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो है देहरादून की एक खूबसूरत वादियाँ। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यार, बारिश हुई है तो बारिश के बाद तो पहाड़ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो माउंटेन लवर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये किसी हेवन से कम नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं थानो। जी हाँ, हम पहुंचे हैं थानो के फॉरेस्ट में, और ये ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए और स्पेशली जो बर्ड लवर हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। दीवार पर छोड़ के जाने का दिल तो कर नहीं रहा, बट यार बहुत दूर जाना है तो चलो चलते हैं, निकलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए भोगपुर गांव, और अब हम यहां से लेंगे लेफ्ट। अगर आप सीधा जाओगे तो आप जौलीग्रांट निकल जाओगे, मेक श्योर कि आप यहां से लेफ्ट लें। से 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हम लोग एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे पहुंचे हैं। अभी जैसा कि मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, अभी बहुत ही प्यारी लोकेशन है, पूरा का पूरा जो रायपुर थानो है वो यहाँ से दिख रहा है। और यार सच में उत्तराखंड में ऐसी लोकेशन में तो यार किसी जन्नत से कम नहीं है यार।
क्यों अनुकूल, कैसी लग रही तेरे को? मजा ही आ गया, वर्थ इट है ना यहाँ आना। तो घर से निकलते हुए हम सोच रहे थे जाए ना जाए, जाए ना जाए, जैसा कि आपको पता ही है सवेरे बारिश भी हो रही थी, तो प्लान मैं सोच रहा था कैंसिल ही कर दूं, बट थैंक्स टू नकुल, उसने बोला कि चल चलते हैं, मैं गाड़ी लेके आता हूं। अगर वो गाड़ी ना लाता तो हम आज का ब्लॉग इंजॉय ना कर पाते। और मैं सीरियसली बोलूँगा कि इतना मज़ा आया आज के ट्रिप में, और इतने अच्छे साइट सीन्स हमने देखे हैं, इतनी अच्छी लोकेशन देखी हैं। आप लोग भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, या चाहे गर्लफ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इस लोकेशन को। व्यू ही व्यू है हर जगह, इतने व्यू हैं, मैं बोल रहा भयंकर भयंकर एकदम भयंकर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू। भोगपुर गांव से 3 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ये लोकेशन है। सच में यार ये लोकेशन बहुत प्यारी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर इतनी प्यारी लोकेशन है। भाई सीरियसली जैसा आप पीछे देख सकते हो, इतनी ओसम जगह है ना। मैं एक बार नैनीताल लिया था, वहां मैंने ऐसा व्यू देखा था, और उसके बाद आज देहरादून में ये जगह है जहाँ पे मैंने ऐसा व्यू देखा है। सीरियसली यार बिल्कुल फाड़ू है फाड़ू। थानो फॉरेस्ट के पूरे व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो थोड़ा सा ऊपर आ गए, बहुत ही प्यारी लोकेशन आई है, और इस लोकेशन के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, सच में यार टूरिस्टों के लिए जन्नत है ये जगह। तो पता नहीं यार आप लोग कैमरे में इस जगह को अच्छे से फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट सीरियसली यार बहुत ही प्यारी जगह है ये, और इस जगह को छोड़ के आगे जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट क्या करें मंजिल अभी आगे है, तो चलो निकलते हैं यार आगे। लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और यार जितना प्यारा मंदिर है उतने ही प्यारे रास्ते थे। और यहाँ के बारे में मैं एक बात करूँगा आपको कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आएँ,
और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। बस कोशिश करिए कि अपना मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएं, सो दैट आप लोग इस जगह को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। तो चलिए चलते हैं अंदर, माथा टेकते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी। बाय बाय।